उसके बाद आपका ये दिमाग स्प्रिट वाला एंडोस्पर्म माहौल वाले पैसों में जब बताया था बताया कि देर हो रहा है चलो जी हाँ कैसा है एंडोस्पर्म वाला तो 100 करोड़ में रिमांड दे रहे थे वो तो कहते थे 100 करोड़ की ज्वाइनिंग की है 200 करोड़ की ज्वाइनिंग की है ठीक है वो तो सब कुछ बोलता था कि क्योंकि सबसे बड़ा धंधा उसी के पास था और 100 रुपए की जर्नी में भी एक ये भी प्लान पर लर्न करने का धंधा है आप 100 रुपए आप किसी को एडवांस में दे दो कैश आपका मेरे घर में कैश पड़ा मैंने किसी को 100 रुपए एडवांस में दे दिया अब वापस आना मेरे को सारे लेने नहीं तो कैश वाइट तो ब्लैक की कन्वर्जन भी होगी जिस जो कैश दे रहे हैं अगर मेरे पास कैश पड़ा मैंने आपको एडवांस दे दिया अब आप मेरे को वाइट वापस आता रहेगा फिक्स धंधा फिक्स मार्जिन दे दिया उसके बाद अमंडल 60-70 करोड़ रुपए जो मार्केट में है उसने अमंडल ने 30 करोड़ रुपए सारा बोलते क्योंकि हर आदमी बोलता पता है कि हमें भी धंधा दे दो वो बोलते हैं इतने हिम्मत नहीं है किसी का पैसे देने की हिम्मत नहीं अब हमारे पास कहाँ से आएंगे पैसे देने ऐसे ही मारे विकर तो मारे विकर में भी तो पैसे दिए 50 करोड़ की फिगर थी मार्केट में 50 करोड़ दिए भी इसके बिना धंधा नहीं सकता उसके बिना ऐसे ही वो दिवास पेड़ है उसका धंधा इनसे थोड़ा सा छोटा था 30 करोड़ रुपए थी बस यही ये मतलब और इसके सिवाय ये तो सिर्फ ये तो मतलब ऐसा है कि जिसके मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप एक साइज में जाके मतलब पहले 10 लाख रुपए का लाइसेंस था होलसेल का इन्होंने 5 करोड़ कर दिया पूरे हिंदुस्तान में
मैं भी आपको बता रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में कहीं दिखाता पांच फुट लाइसेंस हो, क्यों कर दिया, ताकि छोटा प्लेयर एग्जिस्ट कर ले। दलवारा लोगों ने जाकर एग्रीमेंट लिया, चार छोड़ गए, तीन छोड़ गए, क्यों, क्योंकि छोटा प्लेयर को पांच फुट की फीस ही नहीं आ सकती कभी, क्योंकि बिजनेस तो 80% चला गया, बाकी आदमी तो बेचारा फीस भी अपनी वो नहीं करता, ताकि धीरे धीरे क्या होगा सारा बिजनेस ही चारों के पास आ जाए। बेसिकली प्लान तो यही था कि सारा बिजनेस ही चारों के पास आ जाए, पूरा दिल्ली का बिजनेस जो 15,000 करोड़ रुपए की टर्नओवर का बिजनेस है वो सारा बिजनेस ही चारों के पास आ जाए, अल्टीमेटली तो यही प्लान था। गवर्नमेंट को बैठते हैं, गवर्नमेंट ने तो और इन्होंने क्या किया, क्योंकि इनको पैसे सिर्फ इनको किसी रिटेलर से पैसे नहीं मिल रहे थे, इनको पैसे मिलते होलसेल से, ये क्या करते बहुत सारी होलसेल, बहुत सारी होलसेल कैसे होगी, जैसे बाकी स्टेट्स ना हरियाणा में बाकी स्टेट का कोटा फिक्स रहता है कि आपने मैंने बिड की फीस की 200 करोड़ देनी, तो 200 करोड़ के तक की एक्साइज का कोटा फिक्स है, उसके ऊपर अगर मैं दाल देता हूँ तो फिर से पूरी एक्साइज 165% की एक्साइज देनी पड़ती है। आज इन्होंने यहाँ पे क्या किया, जितनी मर्जी बेचो कुछ कोई कोटा नहीं, 1% रहेगा। इससे क्या हुआ, ये जो गुजरात 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 का शोर मच रहा ना, ये गुजरात में दारू कहाँ से गई, ये गुजरात में दिल्ली से जाके, दिल्ली से दिल्ली के अंदर क्या है, आप एक सिंपल सी बात है, आप एक एनालिसिस कर, ऐसी कौन सी मार्केट बन गई दिल्ली के अंदर, ऐसा कौन सा बम फट गया दिल्ली में कि एकदम से जहां बैठी बिकते थी 4 लाख 5 लाख महीने की, वहां मिले 15 लाख, ये सारे के सारे अगर ये एजेंसी अगर ये इस चीज को अंदर जाए तो सारा, ये जो गुजरात का शो में जाते हैं कि गुजरात में दारू चली, गुजरात में दारू कहां से जा रही है, लेकिन ये जो दिल्ली को क्या चाहते थे, दिल्ली एक्सपोर्ट हमारे धंधे में इसको कहते हैं एक्सपोर्ट हब बन जाए, क्योंकि सारी जगह जो दिल्ली से बन गई और सब जगह इनको तो अपने मतलब ना हो सके, जब कहीं से भी जाएगी इनको तो होते थे पैसे मिलेगी 6%, ये जो 12% की कमा ये थी कमीशन होता 6% का था, ये सब इन्होंने ओबराय होटल में बैठ के, लोधी होटल में बैठ के, ये जो मैंने आपको नाम बताया, बिल्लई सभी महेंद्र अमंडल ये बैठक चड्डा, ये सब ने बैठ के इन्होंने पॉलिसी बनाई, ये सब ने बैठ के पॉलिसी बनाई और उसके बाद इन्होंने 6% का गेम खेला और सबको मार दिया। सारे L1 सिर्फ L1 के ऊपर पहुंची देता रही। सिसोदिया तो इसमें भूख बनाया सरकार ने इनकी पार्टी। अब देखो जब सिर्फ सिंपल सी बात है, ये कम से कम नहीं तो 3-4 हजार करोड़ की तो ये होलसेल पे प्राइस पे कर गए, उसके अंदर मरे मरे भी 300-400-500 करोड़ में तो बना ही लिया हो, बाकी तो उसके सिवाय क्या किया, इतना तो सबको इतना तो मतलब कॉमन सेंस की बात है, इसमें तो कुछ है ही है। तो आप सभी ने देखा इसमें एडवांस कैश एडजस्टमेंट लाभार्थी पॉलिसी बना रहे हैं, यानी जिसको सर्वाधिक लाभ मिला है वो साफ साफ कह रहे हैं कि वो पॉलिसी बना रहे हैं, और 10,000 करोड़ रुपए तक के फ्रॉड की बात कही जा रही है। सिर्फ अब एकदम साफ हो गया है कि ये शराब दिल्ली की आम आदमी पार्टी के घोटाले की शराब अब सिर्फ नशीली नहीं जहरीली भी हो गई है, और वह जहर आपको बहुत साफ सामने दिखाई पड़ रहा है। ऐसे लोगों के भी नाम है जो आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी रह चुके हैं।